मेरी शक्ल माइकल जैक्सन की शक्ल की तरह दिखती है। मेरी शक्ल नीरज चोपड़ा जैसी भी दिखती है। मैं सस्ता उदय चोपड़ा भी लगता हूँ, मैं सस्ता शाहरुख खान भी लगता हूँ, मैं छक्का भी लगता हूँ, मैं गे भी लगता हूँ, जस्ट बिकॉज मेरी शक्ल ऐसी है। प्लस वन से लेके आज दिन तक मैं ये बातें सुनता आ रहा हूँ, एंड आज ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं मेरे को अपने बारे में डिफरेंट सेलिब्रिटीज से कंपैरिजन करवाते हुए। ये बात एक टाइम पर मेरे दिमाग पर इतनी बैठ गई थी कि मैं अपनी लाइफ का डेढ़ एक घंटा शीशे के सामने खड़े होकर अपना फेस एनालाइज करने में बिताता था कि मेरे फेस के साथ गलत क्या है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे फेस पर ऐसे कॉमेंट्स आते हैं। मेरे को बचपन से शौक था लंबे बाल रखने का, बाल जान मुझ के छोटे रखता ताकि लोग मुझे माइकल जैक्सन ना बोले। पर लास्ट ईयर ही कुछ ऐसा हुआ कि एक रात को मैंने एक ऐसी बात रियलाइज की कि उसके बाद से मुझे ये रिमार्क्स पिंच नहीं होते। एंड इस वीडियो को बनाने का सिंपल सा यही रीजन है कि मैंने देखा है कि कई लोगों को ट्रोल किया जाता है उनकी शक्ल के लिए। एंड माइंड यू, शक्ल एक ऐसी चीज है जो कि तुम चेंज जरूर कर सकते हो, पर लेकिन स्टिल तुम कभी भी अपने फेस को 100% बदल नहीं सकते, किसी और की तरह शक्ल नहीं बना सकते। जो भगवान ने नैन नक्श दिए हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं। अगर किसी को मोटे होने के लिए ट्रोल किया जाता है, मैं कहता हूँ करो, वो बंदा मोटिवेट होगा, पतला होगा। पर किसी को अगर उसकी हाइट के लिए ट्रोल किया जाता है या उसकी शक्ल के लिए ट्रोल किया जाता है तो वो बंदा ना हारा हुआ महसूस करता है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, देर इज नो वे आउट। लाइक दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बन जाएगा, शक्ल तो वही रहने वाली है ना, हाइट तो वैसे ही रहने वाली है ना। ऊपर से टीन एज एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब आपको ऐसे ही भर भर के इनसिक्योरिटीज होती है। लाइक इमेजिन, एक तरफ तुम्हारा शरीर दिन पर दिन अलग हो रहा होता है, किसी को गायनो केमिस्ट्री हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही, कोई मोटा होता जा रहा है, किसी को एक्ने आ रही है, एंड साथ में लोग उसके फेस स्ट्रक्चर के लिए उसको ट्रोल कर रहे हैं। से 2 साल पहले इस रात को मेरे को नींद नहीं आ रही थी ये चीज सोच सोच कर कि मैं माइकल जैक्सन जैसा दिखता हूँ, क्यों दिखता हूँ, किस लिए। भगवान को कोस रहा था, माँ बाप को कोस रहा था। पर लेकिन मैंने उसी वक्त रात को 2-3 बजे ये बात रियलाइज की कि इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोगों का मजाक बनाया जाता है या मेंशन किया जाता है। अगर तुम्हारा कोई फेस का मजाक बनाता है ना, कंसीडर योरसेल्फ लकी। या तो तुम बहुत ही बदसूरत हो या तुम बहुत ही गुड लुकिंग हो। खुद को प्रेज करो, खुद के लिए प्राउड फील करो कि तुम एवरेज नहीं हो। या तो तुम बहुत बेलो एवरेज हो तभी तुम्हारे फेस का मजाक बन रहा है, या तुम बहुत ज्यादा अबव एवरेज हो तब तुम्हारे फेस का मजाक बन रहा है। एंड अगर ऐसा है तो भगवान को थैंक यू बोलो, इतने सारे लोगों के बीच में तुम्हें उन्होंने डिफरेंट बनाया है, तुम्हें डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज पीपल बनाया है। एंड आई थिंक वो एक प्राउड वाली चीज़ है, तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए। एंड सेकंड चीज़, ऑलवेज रिमेंबर, लोग तुम्हारा मजाक तभी बनाते हैं ना अगर तुम उनसे बेटर हो। आई गेस लेस देन 1% लोग होते हैं ना जो अपने से नीचे गिरे हुए लोगों का मजाक बनाते हैं। मैक्सिमम लोग अपने से ऊंचे के लोगों का मजाक बनाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो जलते हैं कि वो हमसे ऊंचा कैसे है, हमसे बेटर लुकिंग कैसे है, या हमसे डिफरेंट कैसे है, हमसे बेटर स्किल्स कैसे हैं उसके पास। एंड लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि जीवन में कुछ भी कर लेना, पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, तुम्हारी मौत कभी भी हो सकती है। अब तुम इस कीमती समय से जो कि तुम्हें इंसान के शरीर में मिला हुआ है, फिर भले ही तुम्हारी शक्ल बदसूरत हो कुछ भी हो, अगर तुमने ये टाइम पीरियड बर्बाद कर दिया ना इस ओवरथिंकिंग में, इस एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में कि मेरे को लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, अपने जीवन के साथ गलत कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम उस टाइम को किसी बेटर चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें बहुत ही प्रॉब्लम है ना तुम्हारी शक्ल को लेकर लोग ट्रोल क्यों करते हैं, तो अपना समय शीशे के सामने या रोने धोने में बर्बाद मत करना। पैसे कमाने में अपना समय लगाओ, अमीर बनो, प्लास्टिक सर्जरी कराओ एंड अपना फेस बदल लो, फिलर्स डलवा लो, जो लाइन की सर्जरीज करवा लो, अपनी हाइट इंक्रीजिंग की सर्जरीज करवा लो। पर कभी भी जीवन में विक्टिम मेंटेलिटी का रोल मत खेलना, क्योंकि नो वन जेन्युइनली गिव्स अ फक कि तुम्हारा जीवन कितना बुरा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और तुम अभी अगर अगली दिखते हो ना और तुम रोओगे, समय बर्बाद करोगे, तो गेस व्हाट, जब तुम गरीब होगे और उसके साथ अगली होगे तो और कितने ज्यादा अगली दिखोगे। इसीलिए अगर तुम टीनेजर हो या किसी भी एज ग्रुप में हो और अपनी शक्ल को लेकर इनसिक्योर हो, तो सोल्यूशन फाइंड करो कि मैं इसको फिक्स कैसे करूं। पैसा कमाओ, सर्जरी कराओ। बोने होने से इनसिक्योर हो, पैसा कमाओ, हाइट इंक्रीजिंग सर्जरी करवाओ। पर कभी भी जीवन में विक्टिम मेंटेलिटी का रोल मत प्ले करना, क्योंकि तुमसे भी वर्स कंडीशन में लोग रहते हैं। ग्रेटफुल फील करो कि लोग तुम्हें कुछ बोलते रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं, कब आए कब गए, नो वन केयर्स। एटलीस्ट तुम यूनिक तो हो, तुम्हारी शक्ल का मजाक ही सही, पर कुछ तो बन रहा है। एनी कॉन्ट्रोवर्सी इज अ गुड कॉन्ट्रोवर्सी। मेक श्योर आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल टू सीट एवरीवन, जागते रहो।